पहलवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है मदन बी आर लोकुर, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर इस जांच को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस अपराधी के साथ मिली हुई है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। तो बड़े ही संगीन आरोप है। और दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाए हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाने में मदद की, उसके बाद इस मामले से बिल्कुल अलग हो गई। जी जी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन भीमा राव लोकुर जी ने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा जी है कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है, हाँ और आगे कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। हाँ इसके अलावा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहा है उसकी भी आलोचना की है। हाँ इसमें इन्होंने कहा है कि जब महिला पहलवानों की जो शिकायत है वो सुनी नहीं जा रही थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। तो इस पर जस्टिस मदन भीमा राव लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करने में देरी पर दिल्ली पुलिस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच की खुद निगरानी करनी चाहिए थी और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए था कि आपने एफआईआर में देरी क्यों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो पहलवान है वो खतरे में है क्योंकि उनको कई तरह की धमकी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की निगरानी नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस तरह के मामलों की निगरानी कर चुका है। अच्छा और आगे इन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है कि इस मामले में इतनी गहनता से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, कि इतने सारे गवाहों को इकट्ठा किया जा रहा है, कि यौन उत्पीड़न का जो मामला है वो भीड़ में नहीं होता है। और आगे इन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक तरह से पहलवानों को ही अपराधी बनाया गया, कि जी जी जो बिल्कुल 28 मई की घटना थी कि उनको धारा 144 के उल्लंघन में उनको हिरासत में लिया जाता है, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है।